हमारा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ जबकि हमारी फ़ाइल भी मुकम्मल थी और हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा किया। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से पूछते हैं कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी थी लेकिन फिर भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आखिर उसकी वजह क्या है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फहद जमान एंड वेलकम बैक टू वीज़ा इजी चैनल। अगर आप पहली दफ़ा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको भी खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वीज़ाज़ हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है, वो क्यों रिजेक्ट होता है और उसको मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये करते हैं कि जब भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है उसके लिए 3 से 4 चीज़ें हैं जो जनरलाइज फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हमेशा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है और कुछ स्पेसिफिक रीज़न उसका जो है वो नहीं दिया जाता। असल में जिन 3 से 4 चीज़ों के ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है उनके आगे जो सब कैटेगरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट कॉमन रीज़न जो है जिनके ऊपर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन, स्टडी गैप, इंटेंशन आपकी क्लियर नहीं है या आपके जो टाइज हैं अपने होम कंट्री के साथ वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन। इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि अगर आपको एम्बेसी ने कहा है कि हमें 6 माह की बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करें विद योर सोर्स ऑफ इनकम, अब आपने लगा दी 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो साथ नहीं लगाया, तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट होगा। आपकी नज़र में आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी लेकिन जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। सो इसमें बजाय कंप्लेन करने के हमेशा ये देखा करें कि आपसे जो चीज़ मांगी गई है वो ही साथ लगाएं। सेकेंडली, अगर आप 6 माह की बजाय 8 माह की भी बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं आप बता रहे तो स्टिल ये इनवैलिड होगा, बेशक आप 1 साल 2 साल जितनी भी आपने बैंक स्टेटमेंट लगा दी। क्योंकि ये जो कंट्रीज़ होते हैं ये इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं कि आप जो पैसा कमा रहे हैं ये आ किस ज़राए से रहा है, ये इसलिए सोर्स ऑफ इनकम लगाना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक वजह हो गई। और इसी तरह अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाए, एक डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट का एक पेपर होता है, मैं एक दोस्त के साथ उसकी कैनेडा की एप्लीकेशन फिल कर रहा था, वो मुझे यही कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट का साथ पेपर कंपलसरी इन्होंने क्यों रखा हुआ है। वो इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि बार हाँ बताने के बावजूद कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्टूडेंट फिर भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट छोड़ देते हैं, इसलिए वो मेक श्योर कराते हैं कि आप जो डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट है उसके ऊपर टिक मार करें ताकि जो जो चीज़ें आपसे मांगी गई हैं वो पूरी हों, तब ही आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। अगर आपने वो चीज़ें पूरी नहीं की तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर ही नहीं होगी। सो ये एक किस्म हो सकती है इनवैलिड डॉक्यूमेंटेशन की। सेकेंड, अगर बात कर ली जाए, लेट्स से कि जो स्टडी गैप है उसको कवर करने के स्टूडेंट्स के काफ़ी मुख्तलिफ तरीक़ाकार होते हैं। सब कॉन्टीनेंट में अनफॉर्चुनेटली ये है कि आपने इंटर तक तालीम हासिल की, 4 साल आपने कुछ नहीं किया और उसके बाद आप बैचलर्स में एडमिशन लेना चाहते हो और 4 साल का जो गैप है उसको डिफरेंट तरीके से कवर करते हैं कि मैंने 6 माह सेल्समैन का काम किया, 6 माह मैंने दूसरी फील्ड में काम किया, ये रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आपको स्टडी गैप कवर करना है तो उसमें ऑथेंटिक रीजनिंग होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आपके साथ हादसा ऐसा हो गया, कुछ बड़ी मजबूरी आ गई जिसकी वजह से आप 1 साल 2 साल स्टूडेंट जो थे स्टडी से आपको दूर होना पड़ा, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट थे और आप दोबारा से कैरी ऑन करना चाहते हैं। सेकंड ये कि आप जो आपने बैचलर किया उसके बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल गई और आपने 2 साल 3 साल 4 साल एक फर्म के साथ काम किया रेलिवेंट फील्ड में, और अब आपको लगता है कि आपके ऊपर जाने के चांसेस तब बढ़ सकते हैं जब आप इस डिग्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं। ये होता है रेलिवेंट स्टडी गैप को कवर करने का तरीका। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किसी एनजीओ से 6 माह का सर्टिफिकेट ले लिया, किसी दूसरे इदारे से 6 माह का सर्टिफिकेट ले लिया और उस तरह से स्टडी गैप को कवर करते हैं। ये स्टडी गैप को कवर करने का तरीका नहीं है। आपकी नज़रों में आपने ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दी लेकिन एम्बेसी की नज़रों में ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। उसके बाद कर लेते हैं जी बात, इंटेंशंस आपकी क्लियर नहीं है। ये एक ऐसा मेन पॉइंट है जिसके ऊपर मोस्टली डिसाइड किया जाता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। इंटेंशंस क्लियर कैसे होती हैं, लेट्स से कि आपने बैचलर्स किया किसी एक फील्ड में, आपने किसी दूसरे कंट्री में मास्टर्स की डिग्री अप्लाई की बिल्कुल मुख्तलिफ फील्ड में, वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ रहा है कि आप एक डिग्री से दूसरी में स्विच क्यों कर रहे हो और ये कैसे आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, और आप इधर उधर की बातें मार रहे हैं कि मैंने बैचलर्स इसमें किया लेकिन अब मुझे लगता है कि फ्यूचर इसमें है, ये वो, ये चीज़ें आप इनसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। क्लियर इंटेंशंस ये होनी चाहिए
मुझसे जब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वीज़ा ऑफिसर को कैसे कन्विंस किया जा सकता है, और मेरा हमेशा उनको जवाब होता है कि सबसे पहले ख़ुद को कन्विंस करें। जब आप खुद कन्विंस हो गए तो तब आप किसी दूसरे इंसान को कन्विंस कर सकते हैं। सबसे पहले आस्क योर सेल्फ कि आप बाहर के मुल्क में डिग्री क्यों करना चाहते हैं, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा। वो जब आप अपने आप को आंसर कर लेंगे तो आपके पास एक ऑथेंटिक रीजनिंग होगी वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए कि ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरा पाथवे, इसको मैंने फॉलो करके ये अपना मेरा मिशन है, इसको मैंने कंप्लीट करना है और मैं एक तरीकाकार से चल रहा हूँ। मैंने ये बैचलर्स किया, ये मैंने प्रैक्टिकल काम किया, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया, और ये अगर मैं स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ तो ये मेरे फ्यूचर के लिए और मुझे एक्सपोजर जो है बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं करना चाहता हूँ। इसी तरह अगर कंट्री की बात की जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने पर्टिकुलर कंट्री ही क्यों चूज़ किया। लेट्स से मुझसे उसने पूछा कि लॉ जो है जर्मनी में ही तुम क्यों करना चाह रहे हो, मेरे पास एक रीज़निंग थी कि जो लॉ की डिग्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं बाकी दुनिया में, US में या UK में, तो इसलिए मुझे जो जर्मनी में कोर्स ऑफर हो रहा है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास एक सेट बजट है 20 लाख का और उसके ऊपर मैं एक्सीड नहीं कर सकता। सो ये मेरी रीज़निंग थी जिससे मैंने उसको कन्विंस किया कि ये इस वजह से मैंने जर्मनी को चूज़ किया, इस डिग्री को चूज़ किया, इस कोर्स को चूज़ किया। तो इसलिए आपकी जो इंटेंशंस है वो 100% क्लियर होनी चाहिए कि आप कोई भी काम क्यों करना चाह रहे हैं। ये कुछ कॉमन मैंने आपको चीज़ें बताई कि जिसमें हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं स्टूडेंट के, हमने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी अपनी तरफ से, वीज़ा ऑफिसर ने फिर भी कह दिया कि ये चीज़ पूरी नहीं थी। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी इनवैलिड डॉक्यूमेंट की, आपने अपनी तरफ से बेशक कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दिया है लेकिन जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी अगर वो नहीं लगाया वो कंसीडर नहीं होगा। अगर आपसे IELTS एम्बेसी ने पूछा है लेकिन आप प्रोफिशिएंसी लेटर लगा लें तो वो कंसीडर नहीं होगा, आपको IELTS देना पड़ेगा उसे। ये कुछ चंद ज़रूरी फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किए कि आपको पता हो कि अगर आप फ्यूचर में अगर एप्लीकेशन डालने हैं तो किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है अपने चांसेस बढ़ाने के लिए, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ एम्बेसीज ऐसी होती हैं कि अगर आपकी वाकई ही आप जेन्युइन स्टूडेंट थे, आपकी चीज़ें पूरी थी, लेकिन आपके फिर भी वीज़ाज़ को वो रिजेक्ट करते हैं, इसलिए आपको हमेशा स्टैट्स को भी ज़रूर देखना चाहिए कि कौन सी एम्बेसी अननेसेसरली वीज़ाज़ को रिजेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आ रही है वो वीज़ा स्टैटिस्टिक्स हैं यूरोप के बारे में, कि जितनी भी एप्लीकेशन यूरोप के मुल्कों में जो शेंजन एरियाज हैं 25-26 उनमें जिस मुल्क से भी डाली गई कितनी एक्सेप्ट हुई, कितनी रिजेक्ट हुई। सो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के जो स्पेसिफिक कौंसुलेट हैं जिन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन में अप्लाई किया, तो उसको हम कंपेयर करेंगे कि किस मुल्क में वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशो ज़्यादा है। अगर आपको किसी खास मुल्क के बारे में पूछना है तो आप मुझे लिख सकते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू अगेन कि ये सिर्फ यूरोप के बारे में है, डोंट आस्क मी अबाउट UK या कैनेडा। सो मैं जनरली कोशिश करूँगा कि जर्मनी, फ्रांस, ये जो पॉपुलर डेस्टिनेशन हैं इनके ऊपर वीडियो करूँ, लेकिन आपको अगर किसी और ख़ास मुल्क के बारे में जाना है तो आप उसके लिए मुझे लिख सकते हैं। मिलूंगा आपके साथ नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।